Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए कि जिनके पास बहुत कम टाइम होता है, जो जॉब पर्सन है, ठीक है, और जिनकी और मसरूफियात होती है, तो हांडी बनाना जिनके लिए जरा मुश्किल होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो आज मैं रेसिपी शेयर करने लगा हूँ कि हम एक ऐसा मसाला बनाएंगे और उसको तैयार करके फ्रीज भी कर लेंगे कि जब भी हमें हांडी बनानी हो तो ये मसाला हम फौरी तौर पे निकाल के तो जिस चीज में भी डालना चाहें, जिस हांडी में भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली और इसमें मैंने 250 ग्राम एक पाव घी डाल दिया। अब इस घी में कढ़ाई में कटा हुआ प्याज डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस प्याज का जो वजन है वो एक किलो इसका वजन था। इसको साफ करके हमने स्लाइस कर लिया और ये इस तरीके से सारा प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज डाल देने के बाद इसको एक दफा हिला लेंगे और तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और प्याज में हल्का हल्का सुनहरी कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम लहसुन। इस तरीके से छील के साफ करके, आधा पाव से थोड़ा सा ये कम होता है। अब ये 100 ग्राम हमने लहसुन इसमें डाल दिया और 1 से 2 मिनट प्याज के साथ इसको भी हम फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसके बाद इसमें शामिल करते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है वो हमने जो ली है वजन में 1 पाव ली है। और ये देसी मिर्च है, ये हल्की तेज होती है, हल्की तीखी होती है, बहुत ज़्यादा तेज स्पाइसी नहीं होती। अगर आप इस मिर्च की क्वांटिटी कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड मसाले की रेसिपी आपको दी है वजन के साथ, तो इस हिसाब से हमने 1 पाव ये मिर्च इसमें शामिल की है। इसको दरमियान में से कट से लगा के देख लेना चाहिए, कोई कीड़ा ना हो, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब मिर्च डाल के तो मज़ीद इस मसाले को हमने 5 मिनट और फ्राई होने देना है मीडियम टू लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे। अच्छा व्यूअर, तकरीबन ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसमें मिर्चों का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया होगा और लहसुन भी मज़ीद जो है वो हमारा फ्राई हो गया है और प्याज जो है मुकम्मल सुनहरा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जब ये इस लेवल पे मसाला हमारा भुन के रेडी हो जाए तो हमने नीचे से फ्लेम को बंद कर देना है और फ्लेम बंद करके इस सारे मसाले को हमने ये देखिए इस तरह निचोड़ लेना, दिखाओ जरा थोड़ा साइड में, ये इस तरह निचोड़ लेना ताकि इसके साथ घी ना जाए, ठीक है। और ये उठा के हम लगा सेपरेटली एक खुले बर्तन में डालते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये सारा मसाला मैं कढ़ाई से रिमूव कर लूँ, फिर अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर, तमाम जो मसाला था हमने कढ़ाई से निकाल लिया। आप देखें इसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर जो इस तरीके से मैंने 1 के 2-2 पीस कर लिए हैं और ये इस तरीके से सारे टमाटर हम इसमें डालेंगे। टमाटर जो वजन में हैं वो 1 किलो, ठीक है। इनका वजन भी 1 किलो है, क्वान्टिटी आपको पता होनी चाहिए तब मसाला आपका परफेक्ट बनेगा। अब ये टमाटर इस तरीके से हमने डाल लिए कढ़ाई में और तकरीबन 15 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है, इसी तरह मीडियम और मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं टमाटर को फ्राई करते हुए, साथ साथ इस तरीके से हम हिला भी रहे हैं, तो 15 मिनट पूरे होने तक हमने इनको इसी तरह पका लेना है, फ्राई कर लेना है, ठीक है, जिस हद तक भी ये फ्राई हो सकते हैं। साथ साथ आपने चम्मच भी हिलाते रहना है। अच्छा व्यूअर, 15 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को फ्राई करते हुए। 15 मिनट में टमाटरों का जो कच्चापन था मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और साइडों से आप देखें कि घी जो है वो निकलना शुरू हो गया है, तो ये निशानी आपने ध्यान में रखनी है। तो अब इस स्टेज पे आके हम फिर से जो मसाला हमने इसमें से निकाला था पहले, अब इसी में शामिल कर देंगे फिर से ये वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दोबारा से शामिल कर देंगे और साथ इसमें ताज़ा जो फ्रेश हरा धनिया है वो साफ करके उसकी पत्तियां हमने उतार के रख ली थी वो हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। ये देखें इस तरीके से ये हरा धनिया भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसको दोबारा से फिर अच्छा से मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे और 5 मिनट मज़ीद इनको और हम आप इकट्ठा इनको जो है ना पकाएंगे। ये देखें इस तरीके से। अच्छा जो 5 मिनट और गुजर चुके हैं, आप फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लेंगे और ये देखें इस तरह आखिर के साथ इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे। 5 मिनट के लिए इसको ठंडा करते हैं और 5 मिनट के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं। अच्छा व्यूअर, 5 मिनट गुजर चुके हैं, मसाला हमारा ज़रा ठंडा हो गया है। अब ये देखें इस तरीके से मसाला लेंगे और ये हमने ग्राइंडर जग ले लिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने पानी डाल लेना है ताकि ये मसाला हमारा अच्छा सा ग्राइंड हो जाए, इसका पेस्ट बन जाए। तो ये अब इस तरीके से सारा मसाला इस जग में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर मैंने आपको जो मेथड बताया है, अगर आप ज़्यादा मसाला बनाना चाहें, मसाला बना के ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं।
आप मिकदार को इस हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने खारा मसाला ये देखें जग में डाल दिया। अब इसका पेस्ट तैयार करते हैं, और पेस्ट तैयार करने के बाद फिर इसको स्टोर करने के लिए हम बैग लेंगे। बैग में इसको डालेंगे, जितना आपको जरूरत हो, जितना आपकी ठंडी के लिए मसाला आपको डेली चाहिए होता है, उस हिसाब से आप इसको बैग में पैक करके फ्रीज कर लें। और उसके बाद इसको आप 2 से 3 महीने तक भी फ्रीज हुए मसाले को यूज कर सकते हैं। इसमें खराब नहीं होना, इसमें कोई इशू नहीं आना। तो इसको मैं जरा ग्राइंड कर लूँ। अच्छा व्यूअर, ये देखें मैंने तमाम मसाले का पेस्ट अच्छा सा बना लिया है। अब ये पेस्ट मैं देखिए इस कढ़ाई में डाल के, तो इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये देखें कैसा हलवे की तरह ये हमारा पेस्ट बना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला है। अगर आप इसको फ्रीज करके रख लेते हैं, और जब भी इमरजेंसी में हो या आपका टाइम कम होता हो हांडी बनाने के लिए, तो आप इस मसाले को लेकर यूज़ कर सकते हैं। आप इस मसाले को देखें जितना भी हमने स्टोर करना है, तो ये चम्मच मैंने एक ले ली, तो इस चम्मच से इस तरीके से जितनी मिकदार में हमें मसाला चाहिए हो, जितनी हमने हांडी, जैसे हमने 1 किलो चिकन बनाना है, तो उसके लिए ये देखें ये चम्मच का साइज आप देख लें, ये 2 चम्मच इस मसाले के इनफ हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको अंदाजा हो। तो ये हम प्लास्टिक बैग में डालते हैं। ये देखें ये इस तरीके से, ये मैं 1 चम्मच उठा रहा हूँ दिखाएं जी। ये मैंने बैग ले लिया, एयर टाइट बैग है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये इसके अंदर हम इस तरीके से ये डाल देंगे। ये देखिए मैंने 2 चम्मच डाल दिए इसके अंदर। अब इसको हम पैक कर लेते हैं। ये मैंने इसमें ये मसाला डाल लिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इधर से इसकी जो जिप लॉक है, ये इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये ना भी हो, तो कोई भी आप जो प्लास्टिक बैग होता है आप ले सकते हैं, और उसमें डाल के इस तरीके से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारे ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ शो कराता हूँ, दिखाएं जी। ये हमारा मसाला जो हमने अभी पैक करना है, इसके साथ ये देखें कि मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, जिसको मैंने कढ़ाई में, दिखाएं जी, ये देखें, ये मैंने पहले कढ़ाई में डाल दिया था, ठीक है। इसको मैं फ्राई कर रहा था, ताकि एंड पे आपको ये मैं टिप दे सकूं, आपको ये मैं बता सकूं कि फौरी तौर पे हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो ये तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए, लो फ्लेम पे था, फ्लेम को हाई कर लेंगे। और इस मसाले की क्वांटिटी, ये 1 किलो चिकन था साफी, ठीक है। और अब ये मसाला अब इस चिकन में मैं डालूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि फौरी तौर पर हांडी कैसे तैयार करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़े से स्पाइसिस इसमें डाल लूँ चिकन में। ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का मैं डाल रहा हूँ। लाल मिर्च हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मसाले में हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं 1 टीस्पून इसकी डाल रहा हूँ लाल मिर्च की। और उसके बाद इसको एक दफ़ा इस तरीके से ये देखिए हम हिला लेंगे, ठीक है, ताकि गरम जो घी है वो मसालों में एक दफ़ा लग जाए, क्योंकि मसालों का कच्चापन जो है वो गर्म घी से फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। ये देखिए फ्लेम को भी मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। और अब ये जो मसाला है ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि 1 किलो के लिए 2 चम्मच इनफ है। ये दिखाएं जी इधर, ये देखें, ये 1 चम्मच डाल दिया, और ये इसमें मैं 2 चम्मच डाल दूँ। ये 2 चम्मच हमने भर के इसमें डाल दिए। अब इस मसाले को मिक्स करेंगे। मसाला क्योंकि हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, बिल्कुल तैयार है, अब मज़ीद हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल के अगर हमने इसको इसी तरह ग्रेवी वाला बनाना है थिक सा, तो इसको हमने सिर्फ 5 मिनट का दम देना है। और अगर आपने ज़रा सा इसको शोरबे वाला बनाना है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली आपको ये भी मैंने करके दिखा दिया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।